हेलो दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, चुआंगकुट महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में फसल कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है। यह महोत्सव कुकी चीन मिजो समुदाय द्वारा मनाया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? जो इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन सी है। देखिए, ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में चुआंगकुट महोत्सव मनाया जाता है। यह महोत्सव एंग्लो कुकी युद्ध की शताब्दी वर्ष का प्रतीक है। यह महोत्सव फसल कटाई के उपलक्ष्य में कुकी चीन मिजो के समुदाय द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, मणिपुर में इस दिन राजकीय अवकाश होता है। यह महोत्सव प्रत्येक वर्ष मणिपुर, मिजोरम, असम तथा देश के अन्य हिस्सों में फसल की उपज के लिए कृतज्ञता प्रकट करने हेतु आयोजित होती है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2019 के लिए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की थीम राइज इन इंडिया रखी गई है। इसके लिए नोडल एजेंसी का कार्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय करेगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? जो इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन बी है। ठीक है, देखिए, अभी हाल ही में कोलकाता में 4 दिवसीय 5 नवंबर से 8 नवंबर के बीच पांचवां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2019 का आयोजन किया गया था। इस वर्ष इसकी जो थीम थी, राइज इन इंडिया, राष्ट्र को सशक्त बनाता अनुसंधान, नवाचार और विज्ञान रखी गई थी। ठीक है, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े मंत्रालय एवं विभागों और विज्ञान भारती द्वारा आयोजित यह एक वार्षिक कार्यक्रम है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्वायत्त संस्था विज्ञान प्रसार IIS 2019 का समन्वय करने वाली नोडल एजेंसी है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, भारत के किस शहर को यूनेस्को की रचनात्मक श्रेणी में शामिल किया गया है? मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, जयपुर। उपरोक्त विकल्पों में से कौन सा सही है? जो इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन बी है, एक और दो, मुंबई और हैदराबाद। देखिए, अभी हाल ही में वर्ल्ड सिटीज डे मनाया गया 31 अक्टूबर 2019 को। इस अवसर पर यूनेस्को ने भारत के मुंबई तथा हैदराबाद समेत विश्व के 66 शहरों को रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया है। ठीक है, जिसमें आपको मुंबई को क्रिएटिव सिटी ऑफ फिल्म, हैदराबाद को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में नामित किया है। ठीक है, गैस्ट्रोनॉमी देखिए एक पाक कला है। और नेक्स्ट था आपका, इसमें पूर्व भारत के चेन्नई और वाराणसी को यूनेस्को के संगीत शहरों में शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें जयपुर को शिल्प तथा लोक कला के शहर के रूप में शामिल किया गया है। वर्ल्ड सिटीज डे 2019 का जो विषय था, दुनिया को बदलना, नवाचार और भविष्य की पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, रक्षा अधिग्रहण परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रक्षा अधिग्रहण परिषद की स्थापना वर्ष 2001 में की गई थी। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? जो इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन ए है। ठीक है, देखिए, अभी हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने रक्षा अधिग्रहण परिषद डैग में तीनों सेनाओं के लिए 22,800 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के पूंजीगत सामान की खरीद को मंजूरी दी है। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए डायक ने असॉल्ट राइफल हेतु थर्मल इमेजिंग नाइट साइट्स के स्वदेशी डिजाइन, विकास एवं विनिर्माण के लिए मंजूरी दी है। सशस्त्र बलों की स्वीकृति आवश्यकताओं की शीघ्र खरीद सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्ष 2001 में रक्षा अधिग्रहण परिषद की स्थापना की गई थी। डायक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री द्वारा की जाती है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, तवांग महोत्सव निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? असम, केरल, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। जो इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन डी है, अरुणाचल प्रदेश। देखिए, यह महोत्सव अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। ठीक है, जो इसकी शुरुआत थी 2012 में, इसको स्टार्ट किया गया था। इस महोत्सव में अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, जिसमें बौद्ध धर्म से जुड़े कार्यक्रम, पारंपरिक नृत्य, देशी खेल, फिल्में और वृत्त चित्र आदि का इसमें प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत एक धार्मिक परंपरा सेबंग से की जाती है। चलिए दोस्तों, पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर्स को देखते हैं। हमने आपसे पूछा था क्वेश्चन नंबर वन, चेरुथोनी बांध किस नदी पर स्थित है? इसका सही जवाब है पेरियार नदी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर टू,
लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? इसका सही जवाब है श्रीमती मीरा कुमार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? इसका सही जवाब है 1556। चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, पुस्तक आई डू व्हाट आई डू किसके द्वारा लिखी गई है? क्वेश्चन नंबर 2, कौन नियुक्त करता है भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के अध्यक्ष को? क्वेश्चन नंबर 3, ग्रेट बियर लेक किस क्षेत्र में स्थित है? आप हमें अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।